रिपोर्ट जारी की जाएगी और आम लोगों के लिए आज से रिपोर्ट उपलब्ध होगी। कमेटी ने 2,33,000 लोगों से ये सुझाव लिए थे। यूसीसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा चुकी हैं। धामी सरकार तैयार कर रही है यूसीसी की नियमावली। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा। राज्य सरकार की ओर से इस बीच में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो चार खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो चार खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके दो खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है इस पर आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं, मोदी मुग्ध पाकिस्तान कैसे हुआ। दरअसल पीएम मोदी के रूस दौरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब तो पड़ोसी देश में भी पीएम मोदी के रूस दौरे की तारीफ जमकर हो रही है। पाकिस्तान के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी नायक हैं तो शहबाज शरीफ नालायक हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। करिश्मा ऐसा कि हर कोई देखता रह जाए, दम इतना कि हर कोई तारीफ करे, इसे पीएम मोदी का दुनिया में बचता डंका ही कहेंगे कि जो पाकिस्तान भारत पर छुपकर वार करता है उसी देश की जनता पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ रही है। उसी देश में YouTube पर मोदी मोदी छाया हुआ है। ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही है जो सरहद पार बढ़ती जा रही है। इधर पीएम मोदी रूस क्या गए, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान की जनता अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने लगी, तंज कसने लगी, मजाक उड़ाने लगी और आखिर में नालायक तक बता दिया। तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं तो शहबाज जी पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब, उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो, प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरा मैन से नहीं मिलने आए हुए। पर आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलती, मीटिंग में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ लोग जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीग डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता। इसके हकदार भी हैं, मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना कुछ बेहतर थे। भारत की बाकी देशों के साथ ट्यूनिंग की बात हो या पीएम मोदी की राष्ट्रीय नेताओं के साथ रिश्तों की, पाकिस्तान की जनता पीएम मोदी के अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रही।
जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी मोदी छाया है। पीएम मोदी को मिलते सम्मान, दुनिया में बढ़ते भारत के मान और मेड इन इंडिया की कोने कोने में चर्चा हो रही है। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो इम्पोर्ट, वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी उन्होंने चाइना से, जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो जरे मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का दम पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है, पीएम मोदी के स्टाइल की तारीफ कर रही है। अब ये सब देखकर, अपनी आवाम की बात सुनकर पाकिस्तान की सरकार के पेट में दर्द तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर नेपाल से, जहां लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जो दो बसें हैं वो पानी में बह गईं। इसमें कई यात्री सवार थे जिनमें कुछ की मौत हो गई, कुछ जख्मी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है और मुआवजे का ऐलान किया है। एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। नेपाल में लगातार हो रही बारिश, नदियों का बढ़ता जलस्तर हादसों का सबब बना हुआ है। बारिश के पानी से पहाड़ रिस रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। सुबह मदन आश्रित राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से दो यात्री बस त्रिशूल नदी में जा गिरी। ये घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि जब बसें हाईवे पर जा रही थी तभी लैंडस्लाइड हुई, जिससे वो सड़क से उतरकर नीचे उफनती नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि दोनों बसों में चालक समेत 63 यात्री सवार थे। हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। खराब मौसम के चलते काठमांडू से भरतपुर चितवन तक की सभी उड़ानें आज के लिए रद्द की गई है। हादसे पर नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने पोस्ट कर दुख जताया और लिखा, नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड पर लैंडस्लाइड की वजह से बसें बह जाने के बाद लगातार यात्रियों के लापता होने से दुखी हुए। गृह प्रशासन समेत सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव के निर्देश देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की अगर बात करें तो वहां पर बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, हाईवे पर पानी इकट्ठा हो चुका है। इसी से जुड़ी एक मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान से बरसती आफत मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार मची है, स्थिति भयावह हो गई है। हालात ऐसे कि कई इलाके जलमग्न हो गए तो दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। पुलिस ने लखनऊ से आने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया। पानी की तेज धार होने की वजह से 4.5 घंटे बाद बड़ी गाड़ियों को निकाला गया। ये सुबह से ही जो NH-24 है वहाँ पे नैनीताल ढाबे के सामने पानी आया हुआ है, तो सुबह से लगातार हमारा फोर्स लगा हुआ है और कटरा से भी डाइवर्जन करवाया हुआ है, साथ ही साथ सीतापुर की तरफ से भी जो भारी वाहन आ रहे हैं, छोटे वाहन आ रहे हैं, उनका भी डाइवर्जन करवाया हुआ है। लगातार अगल बगल के जनपदों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो भारी वाहनों को हमारा फोर्स है वो लगकर उसको लगातार निकाल रहा है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और इसी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने के बाद बिजली काट दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।